गाइस जैसे देखते हैं नल बनाए, नल बनाने की टेक्निक आपको बता देता हूँ सिंपल सा पार्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्यूबिक शेप है, शेप्स को तो से लेके चलते हैं। अभी जैसे टैब है मेरे पास, यहाँ पर मैंने क्या किया सिंपल सा पार्ट, एक लिया आर्क। आर्क लेने का एक मोटिव बता दूँ, आर्क है मेरे पास यहाँ पर, और एक मैंने आर्क यहाँ पर लिया। ये देखो तुम आर्क कितना मेरे पास, एक साइज ही है 1 एंड 2, ये मैंने सेट कर दिया। आर्क को कितना मुझे मैनेज करना, ये सेट कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ राइट क्लिक एंड रिफाइन भी होता है, रिफाइन करके एक मैं पॉइंट दे सकता हूँ। देखें यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, मैंने नीचे खींच दिया। इज इट पॉसिबल, टॉप लेवल पे गए, राइट क्लिक टॉप लेवल बाहर निकल गए। ठीक है, बाहर निकलने के बाद ऑल्ट क्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मुझे मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे सेफ सा लाइन डोनट, डोनट लेना है मुझे यहाँ पे, एंड डोनट्स में यहाँ पे चाहिए को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, जेड फोर जूम इधर कहाँ पे, ये तो पास लेके आया ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेट कर रखा यहाँ पे। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, लॉफ्ट करना है। तो यहाँ से गए कंपाउंड पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर लॉफ्ट कर दिया। लॉफ्ट में जाके गेट शेप, ये आपका स्पार्ट आ जाएगा आपके सामने। मॉडिफाई पे जाओगे, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, शेप पे गए, शेप पे जाकर आप यहाँ पे F3 देख रहे हैं, शेप है, शेप कहाँ पे, इधर है ना। तो इसको मैं पतला कर सकता हूँ, पे जितना पतला आपको चाहिए 4 एंड 5। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे, जो मैंने ऐसे कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे लॉफ्ट पे गया, मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया पार्ट पे, क्या मैंने कहा 85। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा गट शेप, ठीक है, देख रहे हैं आप। फिर मैंने कर दिया 90 गट शेप, देख रहे हैं आप। तो देखो दो जगह दिख रहे आपको, यहाँ पे शेप पे गए, मेरा शेप यहाँ पे। अब इसको मैंने यहाँ पे आर को स्केल कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। शेप ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, नीचे का सेप आ रहा है यहाँ पे, जैसा आपको जाए ऐसे सेप जैसे भी कर सकते हो, ऐसे सेप जैसे भी कर सकते हो। फिर नीचे वाले पार्ट में कभी आपको लगी तो टिल्टेड आ गया, तो इसके लिए हम लोगों ने काम क्या करते हैं, स्लाइस मॉडिफाई में गए, स्लाइस लिया, स्लाइस में गए XYNG। ठीक है, देखना ऐसा ऐसे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, स्लाइस में गए स्लाइस प्लेन, रोटेशन दे दो आप यहाँ पे, एंगल पे गए यहाँ पे कर दिया 90। रिफाइन मैश रिमूव नेगेटिव, यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, और देन हम लोग चाहिए ऐसे मैनेज करें। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, आ गया, नीचे से हॉलो हो गया है। कैप करके एक ऑप्शन होता है, कैप होल बंद हुआ, ऐसे भी कर सकते हो, कैप होल का आप मैनेज कर दो। ठीक है, आपको पार्ट आपको दिखेगा भाई मुझे कैसे मैनेज करना, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो भी एक पार्ट मुझे नजर आएगा। मैं ऐसे करके मैं मैनेज करना चाहता हूँ, ऐसे मैनेज करके दे सकता हूँ। एक पार्ट में बस यहाँ पे आया। ठीक है, दूसरी चीज़ है, यहाँ से मैंने एक एडिट पॉली भी लिया, एडिट पॉली हुआ, बॉर्डर पे गए, एक बॉर्डर दूसरा बॉर्डर 1 एंड 2। यहाँ पे ब्रिज ऑप्शन होता है क्या, ब्रिज ऐसे भी हो सकता है, तो दोनों तरीके हैं, जो जो को जैसे मैनेज करना मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, चूहे को फसल किया जा सकता है, तो मैं बस यहाँ पर आ गया, मैं चूहे को मैनेज करूँ। देखो यहाँ पे अब इसी को हमने एडजस्ट करके अलाइन करके ऐसे सेट कर दिया, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, हम ऑप्शनल हमने 2-3 बना लिए। ठीक है, एक प्रोसेस मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ लो मैनेज करो, देन देखो यहाँ पे। ठीक है, ये साथ अलाइन करके हमने सेट कर रखा है यहाँ पे, तो आपके पास पोजिशन है, आप ऐसे करके मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। अफेक्ट पे गए, यहाँ से मैंने चूहे को मैंने मैनेज किया और ये सेट कर दिया। ठीक है, देन आपको यहाँ पे ये चीज़ कैसे बैलेंस कर देना, परस्पेक्टिव के आप लगाओ कितने नल लगाने, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, 1, 2, 3 है ना, अलग अलग टाइप के आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं। लो हमारे घर में लोग ज़्यादा हैं तो नल की ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, हमने 3 लगा दिए, आओ 90 में जा रहा है। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब ये अपने अपने कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ है आप ऐसे करके दिखा सकते हो। डन, इसके बाद देखते हैं, अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आई, मेरे पास अभी ये पूरा पार्ट आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। ठीक है, अभी मैं इनके अंदर मैं सामान अभी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जो चीज़ें हैं मुझे नज़र आए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मुझे फ़िलहाल में, जैसे आपको याद होगा मैंने एक यहाँ पे चीज़ों को रखा, मैंने भाई मैं चीज़ें यहाँ पे है जिसको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ऐसा कुछ एक पार्ट है जिसमें आप देखो हाइड कर रखा है मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी देखो इस वाले लेयर पर मेरे पास काम हो गया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई चीज़ बचा नहीं है। देखो एक बार क्रॉस चेक करो, कुछ ऐसा लगा जो छूट गया ऑलमोस्ट, नीचे का एक वो लैग वाला पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे।
दूसरा पार्ट अभी फिलहाल में जैसे मैं एक बार और क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड अनहाइड ऑल करता हूँ, सबको यस करना, सबको मैंने ऑन किया, ठीक है। यहाँ से देखो सब कुछ ऑन हो गया, मैं यहाँ से जब मैं ऑफ कर दूंगा तो बार बार पूछेगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन करें, मैंने क्या, मैंने ये पार्ट मैंने लिया जेड फॉर जूम, ठीक है। आप ये सेप उठा के लगा सकते हो क्या यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, ये सेप आप यहाँ से उठा के लगा दो, कॉपी पेस्ट करना चाहो कर सकते हो, है ना। फिर दूसरा सेप आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप कर रखा हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने कहा एक का पूरा क्या पार्ट ये आ गया, मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने कहा ग्रुप को मैंने कर दिया ओपन, इज इट पॉसिबल, ठीक है हो जाएगा। मैंने इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई काम करते शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया, सॉरी सेलेक्ट करना है यहाँ पे शिफ्ट एंड कॉपी, सेलेक्ट कुछ और कर लेते हैं यहाँ पे, तो इधर से ले लें, है पॉसिबल, है पॉसिबल। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने रोटेशन दिया, रोटेशन में जाके एंगल में क्या 90 पे ये कर दिया, ठीक है। अनहाइड ऑल, अभी देखो यहाँ से मुझे क्या फिर से मुझे हाइड करना है, जैसे मैंने कहा मेरे पास वॉल है, पॉसिबल है, देखो यहाँ पे कभी कभी ये ना ऐसे भी आता है, राइट क्लिक एंड मूव, फ्रीज भी है क्या, वॉल फ्रीज है, वॉल हाइट एंड फ्रीज, ठीक है। यहाँ पर पार्ट देखता हूँ आप, अब मुझे इस वॉल वॉल का भी मुझे अभी आइडिया नहीं लेना, मैंने आप क्या किया, यहाँ पे बस चीज़ें क्या किया, जो जो फ्रीज है वो मैंने ऑफ कर रखा है, ये देखा है, देखो फ्रीज दिख रहा है अभी, ये पार्ट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सब चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, यहाँ पे चीज़ें जो दिखेंगी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, और आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो तब वो देखिएगा ये, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट किया, अभी सब एक जैसे नहीं मिलने वाले है ना, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अपने स्पाइन को मैं मैनेज कर दूँ, मैंने कहा भाई काम करो यहाँ से ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, मैंने अभी चलो प्लेसमेंट दे सकता हूँ, मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है मैंने कर दिया एक्सट्रूड। अभी ये तो खैर आपको आइडिया मिलेगा भाई मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रूड मुझे नंबर थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो हो रहा है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। अभी आप इसको दो दो पार्ट में भी कर सकते हो, मैंने एक में कर रखा है, इसकी कॉपी लगे, एक कॉपी दो कॉपी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सपोज मैंने कर दिया सिक्स, तो ये पार्ट यहाँ पे हो गया, मैंने कर दिया टू, इतना हो गया, आप इसकी कॉपी और चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो, भाई एक किया इसके बाद में आपने एक और लगा दिया, ऐसे भी काम कर सकते हो। तो मैंने सीधा क्या कर दिया, मैंने कर दिया 20, तो बस यहाँ पे 24 मैंने कर, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है तो ये काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, सॉरी अब डोर है, अभी मुझे ये डोर चाहिए, ये डोर को मैंने पकड़ लिया, मैं कहा भाई डोर आ जाओ, है ना। टॉप में गए, इसकी मैं कॉपी ले सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कॉपी के लिए मेरे पास यहाँ पे मिरर भी होगा, मैंने क्या किया मिरर कॉपी करने के बाद, ठीक है ओके। अभी यहाँ से मैं लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे पास कैसे जाने वाला है, इसकी पहले प्लेसमेंट देता हूँ, इधर नहीं चाहिए, वाई पे चाहिए क्या, जेड पे चाहिए क्या, ठीक है क्योंकि यहाँ से मैं लेता यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया सेट किया, मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है डन। इसको मैंने पकड़ लिया, मैं कहा भाई ये आपका यहाँ पे आने वाला है, आई थिंक सेम ही होना चाहिए, अगर अलग हो तो हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे यहाँ पे, है अलग है ना। फिर ये देखो इसका देखो तो ये इसका डोर इधर है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, फिर से करते हैं मिरर, अभी मुझे कॉपी नहीं करना, नो कॉपी, ठीक है एक्सिस को समझा पे ये यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो आया डन। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में जाके आपको मैनेज कर देना भाई, मुझे यहाँ पे बस दरवाज़ा यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है एंड देन ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया टी फोर टॉप, ठीक है डोर यहाँ पे देख रहे, अभी डोर में देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं शेप्स कैसे यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक मैं शेप में यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। देखो कुछ चीज़ में बस यहाँ पे जो बॉर्डर हमने बनाया ना वो बॉर्डर को थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो डोर है ना थोड़ा अंदर से पतला है, यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं टॉप पे गया मैं टॉप यहाँ पे ना देखो हमने इसके अकॉर्डिंग लिया, तो ये डोर का साइज़ ठीक था, यहाँ पे डोर का साइज़ मुझे लगता है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने काम किया, मैंने कहा एक काम करो, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमाइज था सो पे गए, मैंने यहाँ पे सो टूल बार मेन टूल बार है ट्रैक बार, ठीक है ट्रैक बार करते हैं यहाँ पे, देन मैंने एनिमेशन भी दे रखा यहाँ पे,
यहाँ तक तो दो, ये तो ठीक है, फिर उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करें तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं तो और पीछे कर दिया यहाँ पे लाइक दिस, ये मुझे यहाँ पे सेट कर देना यहाँ पे। फ्रेमिंग को अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ तो यहाँ पे दरवाज़ा कैसे लगा है, ये बात यहाँ तक है। अगर मैं यहाँ तक सेट करता हूँ तो मैं उस आर्क और थोड़ा सा मैनेज करना है। यहाँ से अगर मैं सेट करता हूँ ये पार्ट यहाँ पे, तो दरवाज़ा आपका जो खुलने वाला पार्ट हो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं वॉल के अंदर फिट करना चाहूँ वॉल के अंदर फिट करता हूँ, या फ्रेमिंग को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना। तो मैं इनके लिए मैं भी क्या करता हूँ, मैंने एक FFD यूज़ किया। FFD यूज़ करने का मोटिव देखो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है, मैंने क्या किया इनको सेट कर दिया। मैंने कहा भाई आगे आ जाओ अभी, ठीक रहेगा यहाँ पे मैच, यहाँ पे मैच तो आपका काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपको मैचिंग करके चलना है। अभी देखो आपका एनिमेशन है कि नहीं है, है ना, ऐसे करके हम लोग काम कर लेंगे, फिर से रीमॉडल नहीं करेंगे। ओके ये पार्ट हमने कर दिया यहाँ पे। अभी चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मेरे शेप्स क्या हैं, बेसिक चीज़ें क्या हैं, टॉप पे गए मैं पे तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, स्टोव और बाकी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ रखना है क्या चीज़ नहीं रखना है, देखो ये मस्त पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप को कर दिया मैंने क्लोज, क्लोज किया ये तो कोई और पार्ट यहाँ पे भी आ गया। चाहो तो अनग्रुप करके साइड कर सकते हो। अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया है तो मैं वॉल ए है क्या इसका, मैंने कुछ सेक्शन ए दिख रहा है, सेक्शन ए देखो यहाँ पे, अगर मैंने सेक्शन ए बना रखा है तो वैसे दिखना चाहिए। मॉडिफाई सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए, ये दिस वन सेक्शन ए, मॉड सिलेक्शन ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे मॉडलिंग सिलेक्शन ए दे रखा है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे रहेगा। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग दोनों नेमिंग एक ही रखें, जब मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अगर बेटर दिखे तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अभी, ठीक है। जब सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे दोनों का नेम सेम रख देता हूँ, क्या MOD, क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा कि भाई यहाँ पर हमने जो किया यहाँ पर नाम तो कुछ है ये कुछ है, तो एक ही रखो डन, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी ये अगर मैं कहूँ भाई मुझे ये जो पार्ट देना है, इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ इन सबों को मैंने एक बार, या तो मैं ऐसा कर दूँ, मैंने यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्री ले लिया मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट यू कर दिया यहाँ पे, यही है, ये कौन सा सेक्शन भी है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया, ठीक है। यहाँ पे MOD मॉड कर दूँगा, मॉड फॉर मॉडलिंग, मॉडलिंग सेक्शन बी डन, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया सिलेक्शन, यहाँ पे कोई रीनेम का ऑप्शन मिलना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा। आप यहाँ पे देखो प्रीफिक्स में आप जाके यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो, अगर मैंने सेक्शन बी दिया तो मैंने यहाँ पर मॉडल कर दिया, तो मैंने यहाँ पर अगर ये मैं कर दूंगा ना MOD मॉड, तो यहाँ पर प्रीफिक्स भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर देखें यहाँ पे, लेट मी ट्राई, ये कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इट्स वर्किंग और नॉट, रीनेम 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 रीनेम, दिस वन ये है ज़ीरो। अच्छा यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी चीज़ें रह गई हैं कि ज्योमेट्री साथ, मैंने यहाँ पे क्या किया ऑल करके यहाँ पे मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेक्शन बी MOD मॉड, ठीक है, क्रिएट करें यहाँ पे, अभी सब कुछ यहाँ पे है डिफॉल्ट। इसको क्या हुआ, ठीक है, देखें एक बार, कई बार ऐसे भी आपको देखने को मिलता है, आपने सेलेक्ट किया ऐसा मूव कर दिया आपने, ठीक है, यह हो रहा है, ठीक है। कुछ तो देखा थोड़ा यहाँ पे,
इन्हीं से क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने और भी कुछ चीज़ों को देखे तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अभी कई बार ऐसा होता है कि आप जब काम करें तो इसको भी एक बार रीसेट की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते तो आपको यहाँ पे ग्रुप जब आप करते हो तो ग्रुप में आपको चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे देखें तो लेयर टू यहाँ पर है और सेक्शन वन यहाँ पर है। ठीक है, ये कर देते हैं यहाँ पे फ्रीज एंड हाइड एंड ऑल, नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, क्या नहीं चाहिए देखो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं उसमें भी कुछ अभी दिक्कत है तो मैं उसमें शॉर्ट आउट करता हूँ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ लेयर मैंने ऑन ऑफ कर रखा, तो बस ये क्या लेयर यहाँ पे है तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्रीज तो है ही, ये फ्रीज तो रखना है। मैं सेक्शन ए जो दिख रहा है सेक्शन ए मेरे पास है कि नहीं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये तीन तीन में किचन यहाँ पे दिख रहा है। अब इसे ग्रुपिंग बना हो तो आपके लिए ग्रुपिंग भी अच्छा रहेगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे शायद आई थिंक इसका मैंने ग्रुप बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं हो आप ग्रुप में करो ग्रुप सेक्शन ए, या तो मैं सी पहले से ही है, अच्छा इसमें दे रखा है, ये ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक ऑन एड ऑल नो, ठीक है। सेक्शन बी, ठीक है। ऑल्ट क्यों, अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करो पहले यहाँ पे, ठीक है। फिर एक बार ग्रुप कर दो आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या एस सी सी सेक्शन क्या करना है बी, देखो ये चीज़ मैं बस अलग से देखना चाहिए चीज़ों को, मैं मैनेज करता तो मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मुझे मान लो बाई चांस मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कलर्स अलग दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने ग्रुप में कर दिया है, चीज़ों को मैनेज करना था मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये पूरा पार्ट मैनेज हो गया यहाँ पे। राइट क्लिक अनाइ डॉल, यहाँ से मैंने कहा नहीं तो मेरे पास ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब जैसे ये चीज़ मेरे पास आ जा रही है तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर अ टाइमिंग मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कुछ चीज़ों को यहाँ पे बना के दे रखा है तो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करके दे सकते हो। बैलेंस करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप कर रखा है, ठीक है, अभी मैं इसको एक बार में मैं अटैच भी कर दूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, राइट क्लिक एंड देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे दिस वन, पूरा पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ऑल्ट क्यों, और मैं तो उसे इसको कम पार्ट में रखना चाहता हूँ, तो मैंने अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप में क्या होगा, ये सब चीज़ से अलग हो जाएगा, ये पार्ट आपका अलग, ठीक है, ये पार्ट आपका अलग। तो मैंने फिलहाल में इसका भी काम मेरे पास हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ राइट क्लिक एंड अटैच, अटैच दिस वन, ठीक है, अटैच दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे अभी फिलहाल में क्या हो, ये एक पार्ट में आ गया यहाँ पे, सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी सिलेक्शन कहाँ जा रहा है मेरे यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। फर्नीचर में दे रखे हैं यहाँ पर बी में, आप यहाँ पे देखो फ्रीज कर दो, आप यहाँ पे फ्रीज कर दो, आपने हाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करना है डॉल, क्योंकि पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इनको मैं ऐसे करके मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने बी ऑफ कर दिया तो बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ए का मुझे देखो तो ए में भी आपको सी ऐसे दिख रही है, तो आप इसको भी आप ऐसे करके मैनेज करके दे सकते हो, या तो आप मैनुअल करने वाले हो आप ऐसे कर दो फ्रीज कर दे अपने यहाँ पे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि मेरे पास अनवांटेड चीज़ ना आए, अनवांटेड चीज़ जैसे मैंने अनाइड ऑल किया, देखो ये बस अनाइड ऑल करने पे इनको मेरे पास जो ग्रुप है वो ग्रुप में बस ऐसा आना चाहिए जो मैं चीज़ों को मैनेज कर, जैसे मेरे को ये वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे जो मैंने किया यहाँ पे सेक्शन थी ये मुझे ऐसा चाहिए, ये एक ही लेयर के अंदर है ना यहाँ पे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस पर एक ग्रुप है यहाँ पे, देखो या तो मैं इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा अनबैलेंस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंड ऑल है, एक्सपेंड सिलेक्शन है, कोलैप्स सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना यहाँ पे कोलैप्स के साथ है रिमूव एम्प्टी लेयर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इज इट पॉसिबल मैं इसको उठा के अगर मैंने यहाँ पे क्या क्लिक एंड ड्रैग के यहाँ पे मैं नीचे डालूँ, आ रहा कि नहीं आ रहा पे,
नहीं यहाँ पर कई चीज़ मुझे मिल नहीं रहा पे, जैसे कि मैं अनुरूप का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जैसे एक पार्ट है अभी मैंने यहाँ पे क्या ये किया, मैंने बी ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है इसको एक बार देखें, ग्रुप कर दिया मैंने, ग्रुप इज इट पॉसिबल, मैंने कर दिया एस ई सी सेक्शन बी, जिसको अलग में नहीं ले रहा है, आया कहीं सेक्शन बी, छोड़ो ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाले, सेक्शन भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है चीज़ों को मैनेज कर देंगे तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अभी ये देखो मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे सेक्शन ए, यहाँ सब मैनेज कर दो फिलहाल में, काम करते हैं अभी ठीक है, नाइट ऑल एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पर आएगा। अभी मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, मैंने यहाँ पर किया सेक्शन ए, मैंने यहाँ पर फ्रीज एंड ऑल ये आप कर दें यहाँ पर मैनेज। देखो यहाँ पर आपको कोई एक पार्ट मुझे मिल रहा है बनाने के लिए, मैं यहाँ पर क्या बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे। देखो यहाँ से ये चीज़ सिमिलर मिल रही है कि इस वाले से, अगर मैं फॉर ए टाइमिंग जैसे मैं देखो मेरे पास यहाँ पे सेक्शन ए ये है, इसके सिवा मेरे पास कुछ और पार्ट मिल रहा है तो मैं उसके साथ में मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। सेक्शन ए में अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे डोर हमने लगा दिया है, ठीक है डोर हमने चीज़ों को बता दिया, मेरे पास डोर ये है जी फॉर ग्रेट, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया है, ठीक है। अभी सेम चीज़ अगर मैं पे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी सेप्स ले लो आप यहाँ पे, सेप्स में आप यहाँ पे जाके देखो मेरे पास सेप्स में क्या मिल रहा है, ठीक है ये सेम चीज़ अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया है, स्नैप में जाके मैंने यहाँ पे जाके मुझे सिर्फ वर्टेक्स पे ही काम करना है, ठीक है ऑप्शन में यहाँ पे फ्रीज वाला ऑप्शन ध्यान रखना पे, ये सेप मैंने यहाँ पे दिया अनहाइड अबाउट, अनहाइड मतलब वो लेयर में अनहाइड है क्या करना, तो हमने अनहाइड कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जैसे सेप से मेरे पास यहाँ पे सेप्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है एक सेप मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शायद हमने वो सेप्स पहले बनाया था स्टार्टिंग में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ये इसके साथ में चीज़ें दिख रही है भाई मुझे यहाँ पर, अगर कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ये देखो सिलेक्शन में नहीं है, ठीक है मैं उस और भी कई चीज़ इसको मैं अनफ्रीज करके मैं दे सकता हूँ, तो ठीक है मैं फिलहाल में ठीक है यहाँ पे अगर मैं अनफ्रीज ऑल करता हूँ तो सारे अनफ्रीज हो जाएंगे यहाँ पे, अनफ्रीज ऑल, अनफ्रीज ऑल यस करने पे सब अनफ्रीज हो गए यहाँ पे, सब कुछ लेको सब सिलेक्शन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से गए हम लोग यहाँ अफेक्ट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट में देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इसके हाथ में कुछ और भी है, ऑल्ट क्यों करो आप यहाँ पे, ऑल्ट क्यों, अच्छा पूरा पूरा पार्ट ही था यहाँ पे, ठीक है नॉट ऑल नहीं किया मैंने यहाँ पे, देखो ये कहीं ना कहीं अटैच में है यहाँ पे, राइट क्लिक एंड हाइड, देखो दिख रहा है तो शायद उस वाला पार्ट का था, तो चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बच्चों को मैं मैनेज कर देता हूँ। पर मैंने क्या किया, रेक्टेंगल है यहाँ से मैंने लिया ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है मॉडिफाई में गया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, स्प्लाइन पे गए हमने स्प्लाइन को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है अब इसमें बस लेयर वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं देखूँ क्या मेरे पास यहाँ पे आउटलाइन करके मिलेगा आपके पास यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आउटलाइन, आउटलाइन पे गया आपने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ठीक है आउटलाइन में आ जाएगा आपके यहाँ पे कुछ सेप्स में है, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं सेप्स में मेरे पास ये चीज़ देखी तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे सेप में गया था, रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है ये आपने कर दिया और आपने यहाँ से यहाँ तक ये कर दिया, ठीक है आप देखो इसके साथ आपको कई चीज़ और भी मिलेगी, आप इसको मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखें तो यहाँ पे कुछ अगर चीज़ें मिल रही हैं कर सकता हूँ यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में, देखो यहाँ पर सेफ सामने कुछ बनाया कि नहीं बनाया पहले देखते हैं पे, ठीक है तो मैंने यहाँ पहले इसको सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ठीक है इसको मैंने क्या कर दिया पहले तो टॉप पे चलते हैं, टॉप है मेरे पास यहाँ पे टॉप एंड जेड, ठीक है तो मैंने फिलहाल में किया अनहाइड ऑल, ठीक है इस सेप से मेरे पास यहाँ पे तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन मैंने कर दिया हाइट, सेप्स नज़र आ रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, ये भी सेप्स है यहाँ पे मैं कर सकता हूँ हाइट, ठीक है
ये चीज़ें मैं बस यहाँ पे देखेंगे, मैं लेबर डेटा पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मैं चाहिए कैसे सब कुछ आपके सामने देख रहे हैं भाई, मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। इससे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ग्रुप में गए, ओपन करना, अनग्रुप नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे क्या क्या अभी और ग्रुप है तो ग्रुप पर आपने क्या कर देना ओपन, जब तक तो इसका पर्सनल पैरामीटर नहीं आता। एक एंड दो क्या करना, कॉपी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, राइट क्लिक एंड पेस्ट आ गया क्या, कर्सर करना है आपने टॉप में जाके, यहाँ पे जो ऊपर सेव था वो आपको पीछे रह जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ए टाइम बिंग मैंने इसको मैंने क्या किया अंडू कर दिया। मैंने यहाँ पे पहले सेव्स का प्रॉब्लम है, सेव्स कौन कौन से यहाँ पे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, टॉप पे गए, डब्ल्यू प्रेस कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे दिया। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्ट क्यों कर दिया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड पेस्ट, पेस्ट कर दिया, आपके यहाँ पे काम यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे। पे अभी मैं इस पे भी मैं काम करूँगा, दिखाता हूँ आपका। अभी आपको एक एक करके आपको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट। ठीक है, कर सकते हो आप यहाँ पे मैनेज, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मैनेज कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। अभी फॉर टाइमिंग आपके पार्ट पूरा मैनेज हो गया यहाँ पे। आप इसके अंदर कोई चीज़ को मैनेज करना चाहते हो, दो तरीके थे जैसे मैंने इसको बताया ना यहाँ पे, आप यहाँ पे जो मैनेज करते हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया और देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने ऑल्ट क्यू कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कि जो पेस्ट कर रखा ना यहाँ पे, इसी लाइन के मैं कॉपी कर लूँगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या, तो मुझे अंदर का पार्ट ऐसा चाहिए तो मैं एडिट पॉली पे गया, ये मैंने मैनेज कर दिया। इसको मैं यहाँ पे दो पार्ट में लेके चल सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इसके बाहर में डोर बनाना है तो मैं इस स्टेप्स को यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट ये वाला पार्ट क्या किया, क्लोन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडिट में चले गए, यहाँ पे क्लोन कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, इंस्टेंस नहीं करना, कॉपी करना। ठीक है, पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे को इसको मैं क्या करता, पेस्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हाइड। इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पाइन पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया डिलीट, डिलीट। ठीक है, देन आप यहाँ पे यस ये पार्ट और ये पार्ट कर दिया ना, ओके। ठीक है, अभी ये मुझे पार्ट क्या करना है, इसको मुझे मैनेज कर देना। मैं कहा भाई ये पार्ट मुझे यहाँ से मैनेज कर देना, टी फॉर टॉप, जेड फॉर जूम, और इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना पे। ठीक है, तो अगर आप देखो कि मैंने एक्सट्रूड में यहाँ पे तो सा नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, 24 को मैंने कर दिया यहाँ पे एक डन प्रोजेक्ट में, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा। और मुझे अगर कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट के लिए अगर मैं कोई काम करने वाला हूँ तो मैं पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल। तो ऐसे करके चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आप यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे देखो पूरे एक पार्ट हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया, फिर इसका हम लोग बनाएंगे चिमनी एंड स्टोव ताकि चीज़ों को क्लियर कर सकें यहाँ पे। ऑलमोस्ट देखें धीमे धीमे चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कवर होती जा रही कि हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना और चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। इन सबों के आगे हमें एक कवर्ड वाला पार्ट देना, जैसे मैंने जो चीज़ बनाया ना अभी तो मुझे खोलना नहीं तो मैंने ऐसा बनाया, लेकिन सबों के आगे मैं एक एक पार्ट में ऐसा रखूँगा जिसके थ्रू मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। ठीक है, जैसे देखो आप यहाँ पर मैं जो काम करता हूँ, मैं मुझे यहाँ पर चीज़ कैसे चाहिए, मैंने उसे उठा के बाहर कर लिया यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसे वॉल किया तो वॉल में यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर फ्रीज एंड वॉल कर दिया, तो यहाँ पर लेयर वाइज आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करना यहाँ पे, विंडो है कि नहीं, वॉल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस चेक करो टेक्स्ट, ठीक है, सेक्शन डी, ओके, मॉडलिंग, ये पूरा पार्ट आपका मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे करके चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे किचन को कैसे बनाना है, किस टाइप से बनाना है। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा और मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा पार्ट बना, तो हम लोगों ने इसका ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया, यहाँ पे ग्रुप पे गए, नहीं बनाया। ठीक है, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब बना रखें यहाँ पे। देखो अभी देखो यहाँ पे लेयर टू पे आ गए, लेयर टू पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे फ्रीज इस वाले पार्ट में है, तो मैं इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सिलेक्टेड यही दिख रहा है ना। तो कभी कभी देखो ऐसा आता है कि हमने सेलेक्ट किया लेकिन वो दिखता नहीं है, तो ग्रुपिंग में एक बार तो ऐसे देखना दिखा यहाँ पे,
तो ये थोड़ा सा इसके साथ अभी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करने को मिलेगा आप अगर देख रहे हो तो आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। कुछ यहाँ पे कमांड पैनल पर देखना, मॉडल सिलेक्शन यहाँ पे देखना, इससे एक बार हम लोग रीस्टार्ट करके भी देखेंगे। मेरे पास अगर रीनेम का अच्छा कुछ आ रहा है तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज कर देना है कि भाई बेस नेम यहाँ पे मैंने कर दिया तो कुछ चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो सेक्शन बी यानी तो एक बार रीस्टार्ट करके देखेंगे हम आप क्या काम करना है, ठीक है। नहीं अगर वर्क नहीं करा तो मुझे एक बार रीस्टार्ट करके फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो ये काम होगा।